स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रयोग कर पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं क्या, हम लोग सीखने वाले हैं सीटेट में जिसने भी मैथ को बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है ना, मैथ से शुरू से ही डर लगता रहा है, तो ये वीडियो आप लोग स्पेशली पूरा देखेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि गणित में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इतना ही पढ़ लेना, आपका एग्जाम में 15+ नंबर आ जाएंगे। गणित की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, बस इस वीडियो को देखने के बाद 15+ नंबर आप लाओगे, ये गारंटी मेरी है। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं पढ़े होगे तो 15 पैडागोजी 15 सिलेबस के जो होंगे, पैडागोजी में 15 में 15 सही करोगे प्लस 2-4 तो इसमें सही कर ही लोगे, तो 15 तो आपके पक्के ही हैं इस वीडियो को देखने के बाद, है ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या कुछ ऑप्शन में मिले आपको सही करना है, यानी सारी चीज़ें जो भी हम बात करें आगे यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों की बात करेंगे, ये चीज़ें अगर आपको मिलेंगी तो आप सही करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा गणित का, नोट करते चलिए साथ ही साथ, पेन उठा लीजिए नोट करते चलिए, क्योंकि हम भी नोट ही करेंगे। तो सभी लोग पेन उठा लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि 15 नंबर जो कवर होंगे तो थोड़ा उसके लिए समय देना पड़ेगा। तो गणित के अगर हम लोग पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए आपको नोट करना है, नंबर एक नोट करना है प्रतिरूप क्या होना चाहिए। आपको अगर प्रतिरूप कहीं भी मिल जाए तो आप आंसर सही कर लेना, सममिति ऑप्शन में कहीं पर मिल जाए तो आंसर आप सही कर देना, ठीक है। ये सारे शब्दों को आप नोट करेंगे। दशमलव अगर आपको कहीं मिल जाए गणित के पाठ्यक्रम में, दशमलव, ठीक है, ये सारा गणित का जो पाठ्यक्रम है इस प्रकार का होना चाहिए। टाइलिंग, जिसको हम लोग चौपड़ बोलते हैं, टाइलिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चौपड़, कहीं भी मिल जाए तो सही कर देना। आंकड़ों का प्रबंधन कहीं भी मिल जाए तो आप सही कर देना, आंकड़ों का प्रबंधन नोट कर लो इसको। आगे चलो फिर दूसरा पॉइंट डालेंगे। दूसरा पॉइंट दोस्त क्या होगा, गणित प्रक्रम या प्रतिक्रिया, क्या होगा, गणित प्रक्रम या प्रतिक्रिया, ठीक है, गणित प्रक्रम या प्रतिक्रिया, ये क्या है, मानस दर्शन, पक्षांतर और आकलन। अगर इतनी चीजें आपको दिखें, नंबर एक क्या है, मानस दर्शन आपको दिखे, आपको सर पक्षांतर दिखे, आपको सर आकलन दिखे, ठीक है, गणित प्रक्रम या प्रतिक्रिया के अंतर्गत। अगला है गणितीय कौशल विवेचना करना, गहन रूप से जांच करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप को देखना, ऐसे ऑप्शन मिले। तीसरी हेडिंग डालेंगे आप, तीसरी हेडिंग सर क्या होगी, गणितीय कौशल, गणितीय कौशल नोट कर लेना सभी लोग, बाद में फिर आप ना कहना अगर नोट ना किया, आप होशियार बनने की कोशिश कोई भी ना करना, ठीक है, नोट करना, विवेचना करना, बाद में फिर ना कहना सर जी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पाए, तो इसलिए नोट करते हुए चलना। ये क्या होगा हमारा, गहन रूप से जांच करना, क्या करेंगे, गहन रूप से जांच करना, नंबर एक पॉइंट। दूसरा है चर का प्रयोग करना, चर का प्रयोग करना। तीसरा है आपका प्रतिरूप देखना, क्या है, प्रतिरूप देखना। आप सभी ने इतना नोट किया होगा, अगर इतनी चीजें आपको मिल जाए तो आप सही करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे गणितीय अवधारणा के विकास के अनुक्रम क्या, इसको नोट कर लिया तो आगे चलो। आगे हम लोग क्या देखेंगे, गणितीय अवधारणा के विकास के अनुक्रम क्या देखेंगे, गणितीय अवधारणा के विकास के अनुक्रम, इसको जानने की कोशिश करेंगे। नंबर एक, इसमें हम लोग क्या क्या चीजों को जानेंगे आप सभी लोग देखिए। नंबर एक, ई, ई का मतलब है अनुभव से,
किससे है? ई का मतलब है अनुभव से, ठीक है। अनुभव जो होता है प्रथम चरण में बच्चों में गणित संकल्पना का विकास करने के लिए ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव प्रदान किया जाता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग सुन लीजिए हमने क्या कहा है। अनुभव जो रहता है ये प्रथम चरण में बच्चों में गणितीय संकल्पना का विकास करने के लिए ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है। नंबर दो हम लिखेंगे एल। एल का मतलब है भाषा से, आपको भाषा मिल जाए नहीं लैंग्वेज। फिर हम लिखेंगे पी से, यानी कि पिक्चर से, यानी कि आपको चित्र बनाने की बात कर दी जाए चित्र की। फिर हम बात करेंगे एस यानी कि सिंबल से। सिंबल मतलब होता है संकेत से, किससे? संकेत से। अगर गणितीय अवधारणा के विकास का अनुक्रम पूछा जाए सबसे पहले अनुभव, भाषा, चित्र और संकेत। संकेत जो होता है इसके माध्यम से बच्चा जो है प्रतिनिधित्व का आयोग करता है। भाषा के माध्यम से अगले चरण में बच्चों को संकल्पना, उनकी भाषा में कहानी, कविता, ये सारी चीज़ें समझाई जाएं, चित्र बनाना सिखाया जाए बच्चों को, ये सारी चीज़ें आती। अगर हम अगला बात करें तो मापन की अवधारणा अगर आपको मिल जाए, मापन की अवधारणा की बात कर दी जाए, मापन की अवधारणा की अगर हम लोग बात करें तो मापन की अवधारणा का मतलब होता है अवलोकन, अमानक इकाई, मानक इकाई, दोनों इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, ये मापन की अवधारणा के अंतर्गत आता है। क्या क्या हमने आपको बताया आप नोट कर लीजिए। नंबर एक आप लोगों को लिखना है अवलोकन करना। नंबर दो आपको लिखना है अमानक इकाई। नंबर तीन आपको लिखना है मानक इकाई। नंबर चार लिखना है दोनों इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, ठीक है। अगला है गणित शिक्षण के उद्देश्य से हेडिंग डालना, फिर इसमें लिखना हम बोलेंगे आप लिखेंगे गणित शिक्षण के उद्देश्य। अगर इसकी बात करें दोस्त तो इसमें आप क्या क्या लिखेंगे? इसमें आप लोग लिखेंगे समस्या समाधान। नंबर एक क्या लिखेंगे? समस्या समाधान, ठीक, नंबर एक। नंबर दो आप क्या लिखेंगे? स्थिति विश्लेषण। क्या लिखेंगे? स्थिति विश्लेषण। नंबर तीन आप क्या लिखेंगे सर? अनुमान लगाना। क्या लिखेंगे? अनुमान लगाना। नंबर चार सर क्या लिखेंगे? सदृशता। नंबर पांच प्रस्तुतीकरण। नंबर पांच क्या लिखेंगे? प्रस्तुतीकरण। नंबर छह क्या लिखेंगे? तर्क शक्ति। नंबर सात क्या लिखेंगे? प्रमाण, गणितीय संबंध और संप्रेषण। नंबर आठ क्या लिखेंगे? नंबर आठ में गणितीय संबंध और संप्रेषण। अगर इतनी चीजें आपको मिले कोई भी ऑप्शन में, कोई भी चीज मिले, तो आप लोग आंसर को सही कर सकते हैं उस स्थिति में जब आपको कुछ ना समझ आ रहा हो तो। क्लियर है? बताओ यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? बताइए अगर आपको कहीं स्पष्ट बा आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग करने की बात कह दी जाए, अगर आपको कहीं अभिव्यक्ति की कुशलता की बात कह दी जाए गणित में, अभिव्यक्ति की कुशलता की बात, ठीक है। अगर कहीं भी आपसे अवसर की बात कह दी जाए गणित में, बच्चे को अवसर, कहीं भी आपसे वातावरण की बात कर दी जाए गणित में, आपसे परिवेश की बात कर दी जाए, ठीक है, तब आप सही कर देंगे। कहीं भी आपसे अर्थ ग्रहण करने की बात गणित में कर दी जाए, अर्थ ग्रहण करना गणित में ये बात कर दी जाए, तो आप सही कर देंगे, ठीक है। गणित का के अधिगम का मूल्यांकन जो होता है वो तर्क विश्लेषण और तर्क कौशल का विकास करना होता है। इसीलिए हमने आपसे कहा कि तर्क आपको कहीं मिल जाए आप सही कर सकते हैं। तर्क संगत विचार होंगे उनको प्रोत्साहित कर देंगे, आप लिखना चाहें हम बोल रहे हैं तो आप लिख लें, ठीक है। सार्वभौमिक जो वातावरण होना चाहिए बच्चों के लिए, तर्क और तार्किक चिंतन, वास्तविक जीवन से कोई चीज़ जोड़ें, सीखने के अवसर दें बच्चों के, है ना। व्यापक विकल्प की अगर कहीं पर बात कर दी जाए व्यापक विकल्प, तो सही कर देना। विस्तार पर ध्यान देने की अगर बात कर दी जाए तो सही कर देना गणित में, ठीक है।
विस्तार पर अगर ध्यान देने की बात कर दी जाए गणित में, तो आप सही कर देंगे, ठीक है। सीखने के अवसर हो गए, ये सारी चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो आप आंसर सही करेंगे गणित में। अब देखो कुछ निगेटिव वर्ड हैं गणित के अंतर्गत, वो क्या क्या हो सकते हैं। उच्च कक्षाओं के लिए अगर कहीं भी आपको मिल जाए, और प्राथमिक की बात हो तो आपको अगर मिल जाए उच्च कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए ये शब्द अगर आपको मिल जाए, ये आपका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अगला नंबर दो आपको मिल जाए व्यवसायी बनाने के लिए, गणित सिखाने का मतलब व्यवसायी बनाने से, तो आप गलत कर देंगे। अगर आपको सर कहीं मिल जाए रोजमर्रा के कार्य के लिए, जो आप रोजमर्रा में कार्य करेंगे उसके लिए सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप गलत कर देंगे। अगर आपको कहीं ऑप्शन मिल जाए अगला, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करने के लिए, तो आप गलत कर देंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना, फिर से बोल दे रहे हैं, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करने के लिए। तो ये कुछ गणित के लिए टैग वर्ड हैं जो आपको अच्छे से याद करना है। आशा करते हैं कि आपने चीज़ों को अच्छे से नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो फिर आपको गणित में भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो डेली क्लास होती है उसको तो आप लोग लेते रहिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी सीटेट की तैयारी करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करना, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करना।